हेलो फ्रेंड, मैं देवेंद्र सिंह। आज आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग टिक वेल्डिंग से मिलती जुलती वेल्डिंग विधि है। अंतर केवल इसमें इतना है कि इसमें आज जो आर्क है वो एक तंग स्थान वाले नोजल में से गुजरती है। इसके द्वारा हम गहनी पेनिट्रेशन प्राप्त करते हैं तथा इसके द्वारा मोटी प्लेट को एक ही पास में वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इस वेल्डिंग विधि में आर्क में से जब गैसों को गुजारा जाता है तो गैसें आयोनाइड हो जाती हैं। जब गैसें आयोनाइड होती हैं तो वो एक उच्च तापक्रम पैदा करती हैं। किसी भी पदार्थ की चौथी जो स्टेज होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। और जब गैसें आयोनाइड होती हैं तो वो आयोनाइड होकर चौथी स्टेज में पहुंचती हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वो एक उच्च तापक्रम जैसे ही पैदा करेंगे तो हम वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे। और हमारी जो वेल्डिंग प्रक्रिया पूरी होगी तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम शील्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं, जो हमारी वेल्डिंग को भी प्रोटेक्ट और सुरक्षित रखता है। जो प्लाज्मा गैस है उसे हम वायु, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम प्लाज्मा के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो हमारी शील्डिंग गैस होती है उसमें हम आर्गन, हीलियम, इनर्ट गैस, दो इनर्ट गैसों का मिश्रण हम प्रयोग करते हैं। तो ये इसका कार्य सिद्धांत था। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं हम। जो हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है वो दो प्रकार की होती है, ट्रांसफर्ड आर्क प्रोसेस और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क प्रोसेस। ट्रांसफर्ड आर्क प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफर्ड आर्क प्रोसेस जो हमारा होता है उसमें जो निगेटिव टर्मिनल है उससे जो हमारा इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे हमारा जोब कनेक्ट होता है। इसमें निकिल, स्टेनलेस स्टील तथा नॉन फेरस मेटल की जो वेल्डिंग है वो आसानी से की जा सकती है। दूसरा हमारा नॉन ट्रांसफर्ड आर्क प्रोसेस है। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है और पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा जो नोजल कनेक्ट होता है। इसमें जो हमारा जोब वो हमारे सर्किट का हिस्सा नहीं होता है, इससे जो हम आर्क को कहीं भी इधर उधर मूव करा सकते हैं। और जो हमारे टिप और जो जोब के बेस की जो डिस्टेंस है उसे स्टैंडर्ड डिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारे दो प्रोसेस हैं। अब इसके हम पार्ट्स की इक्विपमेंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई, ये हमारी पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई हम इसमें जो डीसी करंट का प्रयोग करते हैं और जो करंट प्रयोग करते हैं हम वो 10 से 500 एम्पियर करंट का हम प्रयोग करते हैं। और जो हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, वो लगभग 3 से 31 वोल्ट तक होती है। तो ये हमारी पावर सप्लाई की बात की। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट की बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट की बात करते हैं हम। इस प्रकार हमने टिक वेल्डिंग में भी हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट के बारे में पढ़ा था। हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का क्या काम है, ये जो आर्क जो जोब को बिना छुए बनाने में सहायता करती है। इसमें एक कैपेसिटर होता है, स्पार्क गैप होता है और आयरन कोर होती है, ट्रांसफार्मर होता है। इसमें एक मेन सप्लाई से एक कॉइल को सप्लाई आ रही होती है और दूसरी से वेल्डिंग के लिए सप्लाई ली जाती है। इसमें जो हमारा कैपेसिटर है वो अपने अंदर स्टोर चार्ज जो स्टोर कर लेता है और वो समय समय पर जो हमारा स्पार्क गैप वो डिस्चार्ज होता रहता है, हर आधे साइकिल में डिस्चार्ज होता रहता है और कैपेसिटर जो हमारा अपने अंदर चार्ज स्टोर करता रहता है और वो हर आधे साइकिल में वो सर डिस्चार्ज करता रहता है और हमारी वेल्डिंग के लिए सप्लाई चालू रहती है। ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट थी। अब शील्डिंग गैस की बात करते हैं हम। शील्डिंग गैस के रूप में हम दो इनर्ट गैसों के मिश्रण को प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम इनर्ट गैसे उसका पर बात करते हैं हम वाटर सप्लाई की। इस प्रकार हम टंगस्टन
अर्क वेल्डिंग में वाटर सप्लाई का प्रयोग कर देते हैं टॉर्च को ठंडा करने के लिए, उसी प्रकार इसमें भी हम टॉर्च को ठंडा करने के लिए वाटर सप्लाई का प्रयोग करते हैं। प्लाज्मा गैस की बात करते हैं, प्लाज्मा गैस के रूप में हम वायु, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम आदि का प्रयोग करते हैं, वो प्लाज्मा गैस के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसके इक्विपमेंट थे, अब बात करते हैं हम इसके एडवांटेज की। एडवांटेज एडवांटेज क्या है इसके, इसके द्वारा मोटी प्लेट को एक ही पास में वेल्डिंग कंप्लीट कर ली जाती है, इसके द्वारा गहरी पेनिट्रेशन प्राप्त की जाती है, इसके द्वारा जो पेनिट्रेशन प्राप्त करते हैं वो एक समान होती है, कम ज्यादा नहीं होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं हम, डिसएडवांटेज में इसके जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, इसके द्वारा 25 एमएम से अधिक मोटी प्लेट को हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसकी जो वेल्डिंग मशीन है या इक्विपमेंट है वो महंगे होते हैं, इसमें जो इनर्ट गैस है उसकी खपत ज्यादा होती है। इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसका प्रयोग ट्यूब फैक्ट्री में किया जाता है, इसका प्रयोग न्यूक्लियर पनडुब्बी में किया जाता है, इसका जो प्रयोग वो मोनल मेटल, हाई स्टील, टाइटेनियम, ब्रास आदि बहुत सी धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से 25000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक टॉपिक था प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।